अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, सबसे पहले उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरे चैनल की वीडियो को देखा। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपनी गली के अंदर और मेरी गली में बहुत अच्छे अच्छे जानवर आ चुके हैं और आ रहे हैं, तो सोचा कि आप लोगों को दिखाऊँ कि कितने अच्छे जानवर आए हैं। ये जानवर नहीं है, ये मेरी गली में रहता है और ये इसका घर है और समीर इसका नाम है। तो समीर, ज़रा मुझे तुम ये बताओ कि तुम ये वाला जानवर कितने का लेकर आओ? हाँ भाई समीर, तो मुझे बताओ कि तुम ये वाला जानवर कितने का लेकर आए थे? भाई 81 का है। ये 81 का लेकर आए थे बछड़ा? माशाल्लाह यार, बहुत ज़बरदस्त है, बेहतरीन। चलो आगे आओ, ये इस वाले जानवर का मुझे बताओ। ये भी माशाल्लाह अच्छा है, बैल है ये तो, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये कितने का लेकर आए थे? ये 156 का है। ये 156 का है, बेहतरीन माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और अच्छा, ये छोटा है ये कितने का लेकर आए समीर? 87 का लेकर। 87 का ये माशाल्लाह, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन। तीनों जानवर दो दो दांत हैं। तीनों जानवर दो दो दांत के हैं, तीन हो जाते तो क्या हो जाता। और ये है शाहरुख उस्ताद। ये है हमारी गली के बाइक मैकेनिक, जो मुश्किल वक्त में ये इनको दरवाज़ा बुला के भी बजा के भी इनको हम बुला लेते हैं, शाहरुख भाई को। और बहुत अच्छे मैकेनिक हैं ये, हैं। तो शाहरुख भाई, ज़रा कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स के लिए, हैं शाहरुख भाई? अच्छा, ये आप ये बोलते हैं ना जिस तरह, आप समझ नहीं पाएंगे कि ये कितने नज़ाकत से कहते हैं। तो शाहरुख भाई, फिर ज़रा इनके लिए अल्फाज हो जाए कोई डायलॉग, सही है? और अगर ये आपकी समझ में आया हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएगा, क्योंकि खुद मेरी समझ में नहीं आया है। समीर, तुम्हारी समझ में आया? नहीं आया, ओके चलो ठीक है। और ये माशाल्लाह एक और जानवर हमारी गली से गुजर रहा है। सर, कितने का लेकर आइए? 84 का, माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन। अच्छा भाई, अच्छा ईद के दिन नज़दीक हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोगों का एक जोश और जज्बा कुर्बानी का जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है माशाल्लाह। और ये एक हमारे भाई और हैं, सात भाई। कैसे हैं आप साथ, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जो मेरे व्यूवर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? कुर्बानी के दिन है, ईद आने वाली है, ईद नज़दीक है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बबल फूट दूंगा, वीडियो में बुरी लग रही है। अच्छा भाई, ये इस वक्त बकरा एक मौजूद है हमारे पास, आया हुआ है बिकने के लिए, सही है? और चार दांत का, ज़रा इसके दांत भी खोल के दिखाना, दांत भी इसके आप देख लें, बिल्कुल ज़बरदस्त, क्योंकि इसके टूथपेस्ट में नमक है जब इसके दांत इतने साफ़ हैं। अच्छा तो भाई, अब इसकी फटाफट प्राइस के ऊपर आ जाते हैं। इसकी इस वक्त जो प्राइस मांग रहे वो 75,000 रुपीज़ मांग रहे हैं, लेकिन ये है कि अगर जो लेने वाला होगा इंटरेस्टेड होगा तो मे बी पॉसिबल के कम होंगे और इंशाल्लाह हो जाएंगे। और ज़रा इस बकरे को बाहर निकालना। हाँ, बकरा जो है बड़ा, ये बहुत फास्ट बकरा है, ये एक्टिव बकरा है, ठीक है? ये मैं आपको बता दूँ, एक्टिव बकरा है ये, बेहतरीन। और जो भी लेने वाला हो, इंटरेस्टेड हो, तो वो ज़रूर मुझसे कमेंट्स में या मैसेज में या मेरे नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। ये माशाल्लाह हमारी गली में दो जानवर और आ गए और अभी अभी ये मंडी से पहुँचे हैं। अब देखते हैं कि ये कैसे जानवर लेकर आए। और एक ये ऐसा टाइम होता है कि बच्चों का बड़ा शोर होता है, और माशाल्लाह ये उसको उतार रहे हैं। आ जाओ भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त जानवर है। और ये जानवर जो है, ये वाला बछड़ा जो है, थोड़ा इसके अंदर बड़ा करंट है, तो अल्लाह खैर करे उतरते वक्त, क्योंकि बच्चों के भी बड़े तादाद है, देख सकते हैं सारे बच्चे खड़े हैं असद। और इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि रस्सी वस्सी बांध के इसको इस जगह पे बांधना है, तो इस वजह से इसको रस्सी बांधी हुई है। और बस अल्लाह खैर करे मैं पीछे हो जाऊँ, चढ़ जाया भाई।
और ये जानवर नीचे उतर रहा है। देखा, और उनकी ऐसी हालत हो रही है डर के मारे। उतर गया भाई, उतर गया, उतर गया, उतर गया, उतर गया भाई, उतर गया, उतर गया, उतर गया, अब उतर गया भाई, उतर गया, आसानी से उतर गया। माशाल्लाह अच्छा जानवर लेकर आए, अल्लाह पाक इनकी भी कुर्बानी कबूल करे, इनकी नीयतें कबूल करे, आमीन। और ये थोड़ा थोड़ा सेट को, और एक माशाल्लाह ये भी बहुत ज़बरदस्त बैल खड़ा हुआ है। ये सारे हमारे गली के बैल हैं माशाल्लाह, सब अच्छे खूबसूरत और इंटेलिजेंट। ये कैसे देख रहा है, क्या देख रहा है भाई है? आप मेहमान हैं कुछ दिन के लिए, आप फिर आपकी कुर्बानी की जाएगी, फिर उसको सीखों पे लगा के आपकी बारबेक्यू की जाएगी। क्यों साथ भाई, क्या बोलते हैं आप, ऐसा है कि नहीं है? ऐसा ही है। जितने दिन ये यहाँ पर हैं, हम लाए हैं इनको, आप लोग जैसे सब गली वाले, हम लोग इन लोगों को प्यार करते हैं। बच्चे एक एक अलग ही रौनक होती है यहाँ पे, एक अलग ही माहौल बना हुआ होता है। साल में एक दफ़ा अपने घर के बाहर जो है एक गांव वाला सेटअप लगा देते हैं, हैं साथ भाई, ऐसा ही है? चलें जी, गुड हो गया। तो गाइस मैं घर पे आ गया हूँ, और बहुत गर्मी मौसम ऐसा हो रहा है, बारिश का वाला, तो कभी भी बारिश भी हो सकती है, और हब्स की वजह से एक बहुत बुरी हालत हो रही थी। तो आपको लग रहा होगा कि मेरे पसीने से कि इस वक्त बहुत ज़बरदस्त गर्मी है, लेकिन आप लोग के लिए मैंने वीडियो बनाई कि जब भी कुर्बानी का साल आता है तो एक ऐसा ही माहौल, एक ऐसी ही सिचुएशन शुरू हो जाती है हर गली मोहल्ले में, और लोग बहुत इंजॉय करते हैं। साल में एक बार आता है, और इंशाल्लाह आगे भी आता रहेगा। तो फिर अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और बेल आइकन को प्रेस कर देगा, ठीक है? और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।